जी, तो इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताऊंगा कि आप दुबई के अंदर रह के आइल्स का टेस्ट कैसे दे सकते हैं। कुछ लोग इसको आइलेट्स कहते हैं, कुछ लोग इसको आइल्स कहते हैं। ये होता क्या है, इसमें इसको किस तरीके के साथ आप अपीयर हो सकते हैं इसके एग्जाम में, उसके बाद कितनी आपकी फीसिस लगेंगी, ये तमाम तर तफसीलात मैं इंशाल्लाह अपनी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं ये चीज जानने के लिए, मुझे पता है बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, और इस टॉपिक के ऊपर तो मैं जितनी वीडियोज बनाऊँ इतनी कम है, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरे तरीके के साथ समझ आ जाएगी और आपको जरूर फायदा होगा। और रिक्वेस्ट हमेशा की तरह सेम है कि अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चले वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं पर भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ो अमान में होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या कि मैं कुछ दिन पहले, ऑलमोस्ट 2 वीक्स पहले जो है वो मैं सर्च कर रहा था कि यहाँ पे आइल्स का टेस्ट कैसे देना है। तो आपको पता है इस टाइम जो है सबसे जो बेहतरीन जरिया सर्च करने का वो यूट्यूब है, ठीक है। और बिगनर्स के लिए जिनको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में कि कहाँ पे टेस्ट देना है, ये नहीं कि उनको इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश आती है, लेकिन जो लोग बिल्कुल इस चीज़ को नहीं समझते कहाँ पे टेस्ट देंगे, कितनी फीसिस होंगी, कहाँ, तो ये चीज़ मुझे यूट्यूब पर कहीं पर भी प्रॉपर तरीके के साथ नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को अपनी वीडियोस के थ्रू और अपनी जो मैंने अपने दोस्त के लिए सारा अरेंज किया था और उसके लिए इन्फॉर्मेशन ले रहा था, तो मैंने सोचा कि आप तक भी डिलीवर करूँ, ताकि आगे आने वाले दिनों में अगर आप आइल्स के टेस्ट के लिए अपीयर होते हैं तो आपके लिए आसानी हो। तो सबसे पहले भाईजान आ जाता है कि भाई आइल्स, जिन लोगों को नहीं पता वो लोग सुन लें कि ये इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है। ये किस पर्पज़ के लिए होता है? ये होता है मोस्टली उन लोगों के लिए जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उन कंट्रीज के अंदर जहाँ पे लोकल लैंग्वेज इंग्लिश बोली जाती है। फॉर एग्जांपल कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इस तरह के जितने भी कंट्रीज है जहाँ पे लोकल लैंग्वेज इंग्लिश है और वो वहाँ पर जाना चाहते हैं वर्क परमिट के ऊपर या वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी के लिए या बिजनेस पर्पज के लिए, तो ये तमाम तर लोग आइल्स का टेस्ट लाजमी देते हैं क्योंकि ये उनकी ऑफिशियल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और उनको ये प्रूफ दिखाना होता है कि भाई हम इस काबिल हैं कि हम आपके मुल्क में आके लोगों से बातचीत कर सकते हैं। यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि आइल्स होता क्या है, ठीक है। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं, मोस्टली जो दुबई में बैठे हुए लोग हैं, बहुत सारे लोग आगे जाना चाहते हैं, उनको इस चीज़ की समझ है, और जिनको नहीं है उनको आप समझ आ गई होगी। दूसरे नंबर पे आ जाती है बात के भाईजान आइल्स तो हमने करना है, अब हमारे पास डाउट है कि हम किस से करें। अब किस से का मकसद मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। दो किस्म के प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, आइल्स करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल है ब्रिटिश काउंसिल जो कि यूके सपोर्टेड है, दूसरे नंबर पे आईडीपी, ठीक है। ये दोनों प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको एक सहूलत मुहैया करते हैं कि आप हमारे पास आके आइल्स का टेस्ट दे देते हैं, और ये दोनों प्लेटफॉर्म रिकॉग्नाइज्ड हैं इंटरनेशनली उन कंट्रीज से जिन कंट्रीज के अंदर आप जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कंट्री जो है इसके, अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आइल्स का टेस्ट पास करते हैं और ये आपको सर्टिफिकेट देते हैं तो वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई इनका जो है प्रॉपर सिस्टम है और इसमें कोई चीटिंग नहीं हो सकती, इसलिए वो आपको आपके सर्टिफिकेट की वैल्यू करते हैं। तो ये दो प्लेटफॉर्म्स हैं। अब मोस्टली जो लोगों के अंदर डाउट होता है कि आईटीपी से करेंगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ब्रिटिश काउंसिल से करेंगे तो कम मार्क्स आएंगे, भाई ऐसा कोई चक्कर नहीं है, दोनों में सेम है। मैं पर्सनली भी कर चुका हूँ, लेकिन ये जो मैंने सर्च की थी ये मैंने अपने फ्रेंड के लिए की थी, तो मुझे पता है मैं दोनों तरफ से दे चुका हूँ, सेम होता है, ठीक है। कुछ भी ऐसा सीन नहीं है कि आप ये कहें कि नहीं आईडीपी ज्यादा मार्क्स देगा या ब्रिटिश काउंसिल ज्यादा देगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको इंग्लिश आती है, अगर आप लिसनिंग में अच्छे हैं, अगर आप स्पीकिंग में अच्छे हैं, अगर आप राइटिंग में अच्छे हैं, अगर आप रीडिंग में अच्छे हैं, तो आपके मार्क्स भाई कोई भी नहीं काट सकता, ठीक है। अब आ जाती है कि भाई यहां तक हमें समझ आ गई ये दो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आगे बताएं। तीसरे नंबर पे आ जाती है, अब यहाँ पे ये बात समझिएगा, आज से कुछ अरसा पहले यहाँ सिर्फ एक ही टेस्ट का मॉड्यूल था, वो था कि आप पेपर के ऊपर टेस्ट देते थे और उसको माना जाता था और वही होता था, ठीक है, ज्यादा था।
लेकिन अब जो है कुछ अरसा पहले इन्होंने एक, जब मैंने दिया था तो मैंने पेपर वाले पे दिया था, लेकिन अब जो है कुछ अरसा पहले इन्होंने कंप्यूटर टेस्ट भी निकाल दिया। अब कंप्यूटर टेस्ट और पेपर टेस्ट में फर्क क्या है, ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे। देखें, कंप्यूटर टेस्ट वो होता है जो कि आपको कंप्यूटर के ऊपर अपीयर होना पड़ता है, ठीक है। वहां पे उन्होंने ऑलरेडी जो है वो टेस्ट का फॉर्मेट अपलोड किया होता है एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, और वो वहां पे आपको लिसनिंग भी वहां पे आएगी, रीडिंग भी वहां पे आएगी, राइटिंग भी वहां पे आएगी, और ये तमाम चारों जो स्पीकिंग जो है वो भी मोस्ट कई दफा अभी कोविड के बाद फेस टू फेस ऑनलाइन ये करते हैं टेस्ट। लेकिन फेस टू फेस हो तो ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन ऑनलाइन में कई दफा आवाज की प्रॉब्लम आ जाता है, या कई दफा आवाज उनको सही प्रॉपर सुनाई नहीं देती, या उनकी आपको नहीं आती, तो उसमें आपके मार्क्स कम होने की मसला होता है। लेकिन ये खैर एडवांटेज डिसएडवांटेज में आ जाता है, वो भी आखिर में मैं आपको बताऊंगा कौन सा बेहतर है, कौन सा आपको करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप इस चीज को समझ लें कि कंप्यूटर पे भी टेस्ट होता है और पेपर टेस्ट भी होता है, तो ये दोनों मेडूल्स अभी इसके अंदर चल रहे हैं। तो आप जिसमें इजी फील करें, अगर आप कंप्यूटर के एक्सपर्ट हैं और आपको लगता है कि ठीक है जी मैं कंप्यूटर पे इजीली दे सकता हूं, तो आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं कंप्यूटर पे इतना एक्सपर्ट नहीं और कंप्यूटर पे मैं नहीं दे सकूंगा, तो फिर आप पेपर वाले को चूज करें, वो आपके लिए बेस्ट है। मैं माजरत चाहूंगा, असल में मेरा थोड़ा सा गला खराब है और जुकाम भी लगा हुआ है, इस वजह से अगर आवाज के ऊपर कोई डिस्टर्बेंस ऊपर नीचे हो जाए तो मैं माजरत खा हूं उसके लिए। चौथे नंबर पे आ जाता है कि भाई यहाँ तक हमें समझ आ गई, प्लेटफॉर्म भी दो हैं, टेस्ट के मॉड्यूल्स भी दो हैं, अब हमें बताएं कि इसको करते किस तरीके के साथ हैं। देखिए, करने का बड़ा सिंपल तरीका है, अगर आप दुबई के अंदर हैं, ठीक है, आपके पास एक एड्रेस होगा, आप यहाँ पर रह रहे हैं, आप जिधर भी रह रहे हैं वो एड्रेस आपके पास है, आपको पता है। आपने IDP से अगर देना है तो IDP की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, www.idp.com, ठीक है। और इसी तरीके के साथ अगर आप ब्रिटिश कौंसल है तो ब्रिटिश कौंसल लिखेंगे। मैं इंशाल्लाह स्क्रीन के ऊपर दोनों वेबसाइट्स के नाम भी डालूंगा और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा सॉरी कि आपको मैं स्क्रीन शॉट्स लगा दूं या स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके लगा दूं, क्योंकि टाइम ना होने की वजह से मैं कई दफ़ा कहता हूं लेकिन लगा नहीं सकता, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा कि मैं नाम और उनके स्क्रीन शॉट्स आपको ज़रूर दूं। आप इन दोनों वेबसाइट्स के ऊपर जाएंगे, वहां पे आपका होगा बुकिंग, ठीक है, लिखा होगा टेस्ट बुक। आप टेस्ट बुक के ऊपर क्लिक करेंगे, वहां पे वो आपसे सबसे पहले कहेगा कि आप साइन अप हो। अब साइन अप होने के लिए आपने क्या क्या चीजें चाहिए, आपका फुल नेम चाहिए, आपका जो भी मतलब आप वहां पे अगर पासपोर्ट लेकर जा रहे हैं, एमरेट्स आईडी जो यहाँ की होती है वो लेकर जा रहे हैं, या जो भी आइडेंटिटी लाइसेंस लेकर, तो उसके जो है वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, उसका एक नंबर होगा, वो आपने वहां पे एंटर करना होगा, ठीक है, और वही डॉक्यूमेंट आपने अपने साथ टेस्ट वाले दिन भी लेकर जाना है। लेकिन मोस्टली लोग पासपोर्ट चूज करते हैं, तो पासपोर्ट जो है वो आप करें तो सबसे बेहतर है, प्योरिटी पासपोर्ट को दें। अपना नाम लिखेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, अपना पासपोर्ट नंबर लिखेंगे, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद आपकी जो है वो एड्रेस लिखेंगे जहां पे आप रह रहे हैं। अब इसके बाद आप जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी लोकेशन शो होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, कि आप किस जगह पे मतलब कंफर्टेबल हैं टेस्ट देने के लिए। अब फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं दुबई की बात करूं, आप रहते हैं अलकसेस के एरिया में, अगर आप अलकसेस में हैं, वन में हैं, तो अलकसेस वन में आप देखेंगे कौन सा जो है वो इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर ये टेस्ट हो रहा है, ठीक है, वहां पे जो शो हो रहा है, ठीक है, वो आप अगर जो आपके करीब तरीन है उसको आप क्लिक करेंगे, वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब जब सिलेक्ट करेंगे तो उसके नीचे टाइमिंग्स आ जाएंगी कि आप किस टाइम पे इंस्टीट्यूट में जाएंगे, वहां पे कितने टाइम पे आपने अपीयर होना है, कितने टाइम से लेके कितने टाइम तक आपका लिसनिंग टेस्ट चलेगा, कितने टाइम से लेके कितने टाइम तक आपका रीडिंग टेस्ट चलेगा, कितने टाइम से लेके कितने टाइम तक आपका राइटिंग टेस्ट चलेगा, और स्पीकिंग टेस्ट याद रखिएगा कई दफा वो नेक्स्ट डे आपको डाल रहे होते हैं, और कई दफा वो 5 घंटे के बाद का टाइम आपको दे रहे होते हैं। ये अब आपने अपनी सेटिंग करनी है कि आप किस में कंफर्टेबल है, और ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने कसेस के जो करीब इंस्टीट्यूट है अगर उसको सिलेक्ट किया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि पूरों के अंदर यही मॉड्यूल चल रहा है कि स्पीकिंग 5 घंटे के बाद या अगले दिन या इस तरीके के साथ। आप अपने टाइमिंग के मुताबिक, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि यहां पे जितने भी लोग हैं वो नौकरी पेशा लोग हैं तो टाइमिंग एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप किसी और अगर आपके पास गाड़ी है तो फिर आप प्रेफर करें जो आपके टाइम के मुताबिक है उसको आप चूज करें, क्योंकि गाड़ी अगर आपके पास है तो आपके आपके लिए मुश्किल नहीं है दूर जाना भी, ठीक है। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
उसको आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप कंफर्म करेंगे। वहां पे दो तरीके होते हैं पेमेंट करने के। फर्स्ट पेमेंट का मेथड है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं, आप कैश करना चाहते हैं, तो आप कैश पे क्लिक करेंगे और कंफर्म कर देंगे। आपको एक ईमेल रिसीव होगी कि भाई आपने विद इन 48 आवर्स या 3 दिन के अंदर पेमेंट इस इंस्टीट्यूट के अंदर जमा करवानी है। तो वो फिर आप फिजिकली जाके वहां पे जमा करवाएंगे तो आपकी जो एग्जाम की डेट है वो कंफर्म कर दी जाएगी। ठीक है, वो कंफर्मेशन आपकी हो जाएगी, आपको कंफर्मेशन मेल आ जाएगी। और उसके बाद उनका अगर ब्रिटिश काउंसिल से कर रहे हैं तो वो आपको कुछ फ्री जो है वो ट्रायल के लिए टेस्ट के जो है ना वो देते हैं, अपना कुछ टेस्ट दे देते हैं जिनको आप करेंगे। तो उसमें ये फायदा होगा कि आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको फॉर्मेट का पता चल जाएगा कि किस तरीके का टेस्ट होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं तो आपको ये पता चल जाएगा किस टाइप का टेस्ट होगा, मेंटली तौर पे थोड़ा आप प्रिपेयर हो जाएंगे। तो वो उस तमाम मेड्यूल्स के आपको थोड़े थोड़े ट्रायल्स दे देते हैं, तो आप वहां से वो एक एडिशनल चीज है, एक बेनिफिशियरी आप वो देख सकते हैं। अब आ जाती है बात कि यहां तक भाई समझ आ गई, अब हमें बताएं कि फीस कितनी है। भाई जान फीस जो है ना, अगर आप पेपर टेस्ट दे रहे हैं तो 1100 दिरहम लगेगी। दोनों में सेम है, आईडीपी में भी ऐसे ही है और इसमें भी ऐसे ही है। 20 दिरहम कई दफा कम भी होते हैं, लेकिन 1100 लाजमी होगा। सेकंड नंबर पे आ जाता है कंप्यूटर टेस्ट। कंप्यूटर टेस्ट के ऊपर आपका 1300 दिरहम लगता है, ठीक है। लेकिन अब आ जाती है बात, फीसें आपको समझ आ गई, 1100 फॉर द पेपर और 1300 फॉर द कंप्यूटर। अब आ जाती है बात कि भाई बेस्ट कौन सा है, ये आपने हमें कहा है बता दें। देखो मैं अगर प्रेफर करूंगा तो मैं तो पेपर को करूंगा। अरे मुझे कंप्यूटर का पता है, मैं एक्सपर्ट हूं कंप्यूटर में, लेकिन मैं कंप्यूटर को चूज नहीं करूंगा, मैं पेपर को चूज करूंगा, ठीक है। अब उसमें वजह क्या, हालांकि फायदा क्या है कंप्यूटर को करने का, कंप्यूटर को फायदा करने का ये है कि ये हर दिन, हर दूसरे दिन ये टेस्ट होता है, ठीक है। आपका अगर कोई चांस लग रहा है, आपको बोला गया कि भाई जल्दी जल्दी जो है आप टेस्ट करो आइल्स का, और आपको हम वीजा देते हैं कनाडा का, अमेरिका का, फिर तो कंप्यूटर आप करें, क्योंकि कंप्यूटर का हर 2 दिन के बाद टेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन उसके अगर अपोजिट जाए पेपर वाला, तो पेपर वाला ऑलमोस्ट 13 डेज के बाद या 11 डेज के बाद टेस्ट होता है, ठीक है, पूरे दुबई के अंदर। ऐसा नहीं है कि कहीं भी जल्दी हो रहा हो, नहीं, 11 डेज के बाद या 13 डेज के बाद ही टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा फायदा नुकसान क्या होता है, दूसरा कंप्यूटर का रिजल्ट विद इन फाइव डेज, इसमें वर्किंग डेज नहीं, 5 डेज विद सैटरडे एंड संडे आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन पेपर के अंदर क्या होता है, 13 डेज के अंदर आपका रिजल्ट आता है, ठीक है, दोनों तरह से लेट होता है काम। ये क्यों कर रहे हैं, ये इस वजह से कर रहे हैं कि लोग कंप्यूटर की तरफ ट्रांसफर हों और पेपर से हट जाएं, ठीक है। लेकिन मैं पेपर को क्यों प्रेफर करता हूँ, मैं इसलिए पेपर को प्रेफर करता हूँ कि एक चीज मेरे सामने फिजिकली पड़ी हुई है, मैं उसको जल्दी जल्दी रीड आउट कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मैं नोट कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर के ऊपर ऐसा कोई सीन नहीं है, कंप्यूटर के ऊपर मैं पहले कंप्यूटर को देखूंगा फिर नीचे लिखूंगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा। आपको जिन लोगों ने ये टेस्ट दिया हुआ है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, या जो दोबारा अपीयर होना चाह रहे हैं, या जो फर्स्ट अपीयर होना चाह रहे हैं, देखिए टाइम बहुत कीमती होता है इस टेस्ट के अंदर, एक एक मिनट क्या, एक एक सेकंड आपका कीमती होता है। आपने लिसनिंग आ गई, लिसनिंग को आपने बहुत गौर से सुनना है, बहुत ज्यादा। अगर कंप्यूटर में है आप लिसनिंग सुन रहे हैं, आपने टाइप करना है, ठीक है। अगर आप एक टाइप ही कर रहे हैं, लिसनिंग तो आगे चलती जा रही है, वो तो आपके लिए नहीं रुकेगी कि भाई आप टाइप कर रहे हैं। और फॉर एग्जांपल एक रफ पेपर वो आपको देते हैं, अगर आप वो उस पे लिखते जा रहे हैं और एट द एंड आपके पास थोड़ा सा आपको 5 मिनट भी नहीं मिलेंगे उसको एनालाइज करने के लिए, तो उस देर के अंदर आप कितना फुल करेंगे अगर आप एक्सपर्ट नहीं है टाइपिंग के अंदर, ठीक है। तो मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ कंप्यूटर से पेपर वाले को। पेपर वाले में ये होता है कि आपने सुना, फौरी तौर पे लिखते गए, ठीक है, आपको टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपकी कंप्यूटर पे दे रहे हैं, आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं है, आपने पहले तो लफ्ज़ ढूंढने हैं, आप अभी लफ्ज़ ढूंढ रहे हैं, वो तो आगे चला गया, ठीक है। और अगर आप इस चीज से सेव होते हैं, आप कहते हैं नहीं मैं लफ्ज़ नहीं ढूंढता, मैं पहले रफ पेपर पे लिख लेता हूं पूरे 40 आंसर और फिर मैं उनको ट्रांसफर कर लूंगा कंप्यूटर के ऊपर, तो भाई फिर भी तो टाइम तो लगना है ना, कीबोर्ड तो वही है, ठीक है, कीबोर्ड तो चेंज नहीं होगा ना, उनके बटन आपकी मर्जी के मुताबिक आएंगे, कीबोर्ड भी वही है, उसके अल्फाज भी वही हैं, बटन भी अपनी अपनी जगह पे लगे हुए हैं, चाहे आपने 40 लिख लिए हैं, 5 मिनट भी आपको आखिर में नहीं मिलने, आपको 40 क्वेश्चन 5 मिनट के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपके इस तरह से नंबर खराब हो जाएंगे।
तो बेहतर ये है अगर आपके पास टाइम है तो आप पेपर को प्रेफर करें। ये मेरा अपना एक प्रिडिक्शन है, बाकी मैं ये नहीं कहता बहुत सारे लोग किस चीज के खिलाफ मुमकिन हो, लेकिन ये हर एक आदमी की अपनी सेटिस्फेक्शन है। मैं पेपर में सेटिस्फाइड हूँ, आप अगर कंप्यूटर में सेटिस्फाइड हैं, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो बिल्कुल गो अहेड, आपको वो करना चाहिए क्योंकि उसमें जल्दी रिजल्ट भी मिलेगा। नुकसान सिर्फ इतना ही है कि वो 200 दिरहम ज्यादा आपको देना पड़ेगा और बाकी पेपर में 200 दिरहम कम देना पड़ेगा। तो लिहाजा उम्मीद करता हूँ ये भी वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। बहुत शुक्रिया देखने का सुनने का, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, भाई को दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।